लगता है कि मुझे वीडियो बनाने नहीं आता है, मेरे को कलेक्शन जब मैं शेयर करने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ और मेरी जो जुबान है ना वो लड़खड़ाने लगती है। आज का जो वीडियो है ना, आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपने इयररिंग्स का कलेक्शन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जितने भी इयररिंग्स आज मैं आप लोगों के आज आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ, ये सारा ब्लैक मेटल के ऊपर है। और मुझे किन मतलब किस किस टाइप की ज्वेलरी पहनना पसंद है आज वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये सारे जितने भी हैं मैंने खुद के पैसों से बाई किया है और मेरा फेवरेट है, मुझे ब्लैक मेटल ज्वेलरी बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे को हर टाइप की ज्वेलरी बहुत पसंद आती है गाइज, लेकिन कुछ अपने जो पार्टीशन करे हैं मैंने अपने ज्वेलरी के, तो सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने इयररिंग्स का कलेक्शन शेयर करूं। क्योंकि मोस्टली जो लड़कियां होती है ना शादी से पहले की, उनको ना इयररिंग्स ही पहनना पसंद आता है। तो आज का जो वीडियो है ना आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आने वाला है। ये तो नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, क्योंकि देखो गाइज हर किसी की चॉइस जो है ना अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज जो मैं शेयर करूंगी वो मेरी अपनी खुद की चॉइस है। मुझे क्या पसंद है, किस किस टाइप की चीज़ें पहनना पसंद है वो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ज़्यादा डिले नहीं करूँगी, कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक मेटल इयररिंग्स आज आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। प्लीज़ गाइज, अगर आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किया करो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। पता नहीं ऐसे ही रैंडम मेरे दिमाग में आया, पहले तो मैंने सुबह के 7-8 बजे से उठ के ब्लॉग बनाया और सारे ब्लॉग को मैंने डिलीट कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा मूड आजकल ऐसा ही है। मैंने वीडियो बनाई, बहुत मेहनत करी, मैंने पूरी सफाई से लेकर रूटीन दिखाया, क्योंकि मैंने बाहर बालकनी की सफाई करी, बगल वाले रूम की सफाई करी और पूरा जितना भी मेरे पेड़ पौधे हैं ना उन सब की मैंने आज सफाई करी थी। फिर भी मैंने वीडियो जो है ना बना के, इतना मेहनत करने के बाद मेरी बिंदी निकल रही है, निकल ही गई। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि मैंने सारा वीडियो डिलीट कर दिया। खैर छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। और ऑलरेडी मैंने एक ब्लैक मेटल की कुछ डिफरेंट टाइप की इयररिंग्स वेयर कर रखी है जो कि मुझे बहुत पसंद आई। इसकी वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना कलेक्शन आज का स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। मुझे चीज़ें एक चीज़ ये समझ में आती है कि आप लोगों को ना मेरी ज्वेलरी के कलेक्शन, पायल के कलेक्शन और भी बहुत सारे कलेक्शन पसंद आते हैं, लेकिन अब मैं कितना खरीदूं, क्योंकि मेरे पास अब रखने की जगह ही नहीं बची, नहीं तो मैं खरीदती। फिलहाल आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर में मंगाई है, नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगे। तो सबसे पहला जो मेरा इयररिंग्स है ना, इसको मैं यहाँ से जो इसकी कुंडी है ना निकाल के एज ए बैंगल्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ के साइज़ का है। अगर आपका हाथ भी मेरी तरह बच्चों जैसा हाथ है ना, तो आप लोग भी इस तरीके की इयररिंग्स जो है पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। अगर मैं इसके साथ भी इसको मिला के पहनूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा स्टोरेज फुल हो जाएगा, कहीं मेरी मेहनत आधे में ना अटक जाए, तो इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ आपको। मुझे स्टोरेज से आजकल बहुत ज़्यादा डर लगता है, ब्राइटनेस कम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये है कि ब्राइटनेस कम करके दिखाओ। तो ब्राइटनेस कम करके सिर्फ आप अब मेरे ज्वेलरी पे फोकस करना, मुझ पे फोकस मत करना। तो ये फर्स्ट वाला इयररिंग्स कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे कुंडी लगी हुई है, ऐसे वेयर करने पे ये बहुत सुंदर लगता है। अगर आप गर्ल्स हैं, टीनेजर हैं, तो आप इस टाइप से पहन सकते हैं। सेकंड दिखाओ तो इस तरीके का कुछ इयररिंग्स है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अभी फ़िलहाल ब्लैक मेटल शेयर करो, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल मेरे पास ज्वेलरी के कलेक्शन और इयररिंग्स कलेक्शन बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता। तो सेकेंड वाला जो मेरा इयररिंग्स है ना, इस तरीके के इयररिंग्स है। और ये सूट वगैरह पे, कुर्ती वगैरह पे, अगर आप ब्लैक मेटल का कलेक्शन मेरी तरह इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड है ना, तो इस तरीके के ब्लैक मेटल आप इकट्ठा करके रखो, बहुत अच्छा लगता है सूट पे, कुर्तियों पे। अब जैसे समर आ रहा है ना, तो आप लोगों के लिए ना समर के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आने वाली हूँ। अब देखो ब्राइटनेस कम करने के बाद ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा काला काला दिखने लगता है, इतना तो ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है मैं झुमके दिखाऊंगी वो इस तरीके का है, पिंजरे जैसा है। और जो जो भी मैंने ऑनलाइन बाय किया है ना, कोशिश करूंगी इन सभी का आपको कोड या लिंक प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको बाय करने में आसानी हो। तो इस तरीके से कुछ मिरर वर्क के साथ है और हैवी से हैवी मेरे पास अभी फिलहाल इयररिंग्स है और छोटे से छोटे साइज में आपको दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप टीनेजर है या फिर कॉलेज वगैरह में जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ना इस तरीके की इयररिंग्स जो है ना बहुत सुंदर लगने वाली है। बिकॉज इस तरीके की जो झुमके होते हैं ना, ये सभी ड्रेस कुर्ती सूट के साथ चले जाते हैं। ऑल राइट गाइज, तो अभी भी मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ ना लिटरली कि मेरे पास जो है ना इयररिंग्स की या फिर ज्वेलरी की ना बहुत ज़्यादा भरमार है। नेक्स्ट अगर आप कॉलेज वगैरह में जा रहे हो ना, तो गाइज सच्ची बता रही हूँ, इस तरीके के जो इयररिंग्स होते हैं ना, ये वाले जो आवाज़ करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। देख सकते हो कितना, अभी भी मैंने ये पहना हुआ है झुमके, अभी मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया है, तो इसका जो है वीडियो मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। ये फ़िलहाल ऑलरेडी मेरे पास जो पहले के मैंने बाय करके रखे थे वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो इस तरीके से तीन लेयर के ये देख सकते हो, ये जो घुंघरू होते हैं ना, ये बहुत प्रिटी लगते हैं गाइस। इस तरीके से पहन सकते हो आप कुर्ती वगैरह के साथ। मैं कोई स्टाइल करके आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं है। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा गाइस, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आप इतना ज़्यादा वेट आपके कान नहीं उठा सकते हैं तो इस तरीके की इयररिंग्स को बाई मत करना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट है। जो बात है मैं आपको पहले क्लियर बता देती हूँ, अदरवाइज शादी फंक्शन के लिए अगर आप चाहते हो ना तो ये बहुत प्रिटी वन है गाइज, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आपको अगर दिख रहा होगा कि अगर इस पर लाइट की जो रिफ्लेक्ट पड़ते हैं ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। मुझे इस तरीके के झुमके वगैरह बहुत पसंद है, देख सकते हो गाइज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये 250 का मैंने शायद लिया था, आई थिंक 250-300 का मैंने इसे सरोजनी नगर से लिया था। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पिक्चर देख लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है इजली इन सभी का कोड आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे पास हैवी से हैवी इयररिंग्स है, ब्लैक मेटल में भी, वैसे नॉर्मल में भी। नेक्स्ट मैं दिखाऊँ गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है, ये भी अगर आपके कान जो है वेट नहीं उठा सकते तो इस तरीके की जो है इयररिंग्स बाय मत करना, लाइट वेट करना। ये बहुत ज़्यादा भारी है गाइज, लेकिन पहनने के बाद ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइज, ये इतना सुंदर लगता है। मुझे जो है ना ब्लैक मेटल से इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं जितना भी कलेक्शन इकट्ठा करूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि कम है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को मेरे ज्वेलरी के कलेक्शन देखना पसंद आता है या नहीं। वैसे तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों को वाकई मेरे ज्वेलरी का कलेक्शन पसंद है। तो गाइस नेक्स्ट ये वाला है, मैं वेयर करके नहीं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये भी सूट वगैरह के साथ ना बहुत अच्छा जाने वाला है। अब गर्मियाँ आ रही है, क्या पता मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल करके जो है दिखा पाऊँ। चलिए मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट झुमका, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोवर, ये मैंने 100 रुपीज़ का लिया था जयपुर से गाइस। ये बहुत सुंदर है, पिकॉक के डिज़ाइन में देख सकते हैं, दो पिकॉक है और ये देखिए, और ये नीचे ये प्योर ब्लैक है, प्योर ब्लैक जिसको बोलते, कलर ब्लैक नहीं है लेकिन ये ब्लैक मेटल में अगर आपको ये पिकॉक नज़र आ रहा हो, लेकिन बहुत सुंदर लगता है गाइस। मुझे ना झुमके वगैरह ना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना गाइस, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और ये मुझे देखते ही ना बहुत पसंद आया था। लेकिन अगेन यही बोलूँगी कि अगर आपके कान इसका वेट नहीं उठा सकते तो इस चाय की केटल को बिल्कुल मत बाई करना, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आपका मन कर रहा है कि आप इस चाय की केटल को पहन के रखिए, किसी का चाय पीने का मन करे तो इसको अपने कानों से निकालिए और उसके कप में चाय भर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रेंडी इयररिंग्स है। देख सकते हैं इस तरीके से इसमें चाय के 3 केटल बने हुए हैं। मैं क्या सोच रही हूँ कि इसका जो वेट है ना कम करने के लिए इसे 3 अलग अलग इयररिंग्स बना दूँ, लेकिन ये मेरे को इतना पसंद है ना, आज तक मैंने इसको रिमूव नहीं किया है। ये चाय का केटल गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप लोगों को ये चाय का केटल पसंद आता है तो आप लोग फ्लिपकार्ट से इसे बाई कर सकते हैं, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ही बाई किया था। ओके गाइस, तो मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे कलेक्शन अच्छे लग रहे होंगे,
तो तारीफ करने में ना बिल्कुल कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक करने में भी बिल्कुल कंजूसी मत करना, भर भर के ठोक पीट के प्लीज लाइक कर देना। ऐसा नहीं है कि आप अपना कैमरा ही तोड़ दो ठोकने के चक्कर में, पीटने के चक्कर में। बस गाइस कुछ भी करो, वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप लोगों के एक छोटे से लाइक से ना हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को ना, नए क्रिएटरों को ना एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। देखो गाइस व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर कोई भी इंसान, मैं हूँ कोई भी हो, कोई भी इंसान मेहनत करना नहीं चाहेगा। तो अभी मैंने आप लोगों को कितने कलेक्शन दिखाए हैं वो मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ, बाकी आप लोग गिनती करना और मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि देखो गाइस बहुत नए नए लोग भी आते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों को मेरे कलेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो इसीलिए मैं अपना कलेक्शन दिखा रही हूँ। और जो जो भी ऑनलाइन मैंने लिया है, ये देखो गाइस का क्या हाल कर दिया मैंने वो, बट ये फंसते नहीं है, ये आसानी से आपके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा, बट थोड़ा सा मेरे को डर लगता है, थोड़ा सा डर लगता है। ओ माय गॉड। तो गाइज ये वाला जो झुमकी है ना, ये भी बहुत 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 सुंदर है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कितना ज़्यादा सुंदर है, इतना गजी है ये कि देख सकते हो इसमें कितने सारे झुमके लगे हैं। अगर आप लोगों को मतलब इयररिंग्स के लवर हो ना, तो आप लोग देखना, बाई करना, ठीक है? क्योंकि मैं तो देखो भाई, हर मेरे को जो मैं तो ज्वेलरी की लवर हूँ, और ये आप पहन सकते हो, इसका वेट आपका कान बहुत आसानी से उठा भी लेगा, और बिकॉज इसमें पीछे आपके कानों पे ऐसे करके डालने के लिए दिया है। अगर इस तरीके के झुमके इयररिंग्स अगर आप लोगों को पसंद है ना, तो ज़रूर बाय करना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है मेरे हिसाब से। बाकी तुम लोग बताना कि तुम लोगों को ये कैसा लग रहा है। मुझे तो सच बताऊँ, मेरी चीज़ है तो मुझे जाहिर सी बात है पसंद आएगी ही आएगी, लेकिन तुम लोग बताना कमेंट में कि तुम लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। और इसका इस तरीके से देख लो, पूरा झुमकी झुमकी है। देखो गाइस जो जो भी अभी फ़िलहाल मुझे मिल रहा था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे को फिर से बोलोगे कि हाँ दीदी आपका कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया और कलेक्शन शेयर करो, तब मैं सोचूंगी, तब थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी। ये वाला गाइस ये भी बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को शौक है कि थोड़ा सा आपका झुमका जो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है हर साइजेस के झुमके इयररिंग्स होते हैं और हर मटेरियल में होते हैं, तो इस वजह से मेरे को ज़्यादा, अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैंने बहुत बार बता दिया है कि मेरा शौक है। अगर आप लोगों को झुमका भी पहनना है, बहुत बड़े साइज में पहनना है, और आप चाहते हो कि आपके कानों में बिल्कुल दर्द ना हो ना, तो ये इसके साथ जा सकते हो गाइस। ये एक पेपर जितना लाइट वेट है, और गाइस आप इस झुमके को देखो, इसकी बनावट देखो गाइस, इसकी कारीगरी देखो, ये इतना खूबसूरत है। साथ में इसमें मिरर वर्क है गाइस, ये झुमका ना बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगता है, पूरा ब्लैक मेटल में है, साथ में इसमें आपको दिख रहा होगा मिरर वर्क का काम है, और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल हवा की तरह है, बिल्कुल लाइट वेट गाइस। अगर आप लोगों को बड़ा झुमका पहनना है और आप चाहते हो कि आपके कानों पे बिल्कुल भार ना पड़े ना, तो आप ज़रूर से इस वाले झुमके को बाई कर सकते हो। मुझे एक दिन पिलास लेके ना इन सभी के झुमके और ये जो जितने भी है ना, फिलहाल मैं इसको आज ही सही कर दूंगी, अदरवाइज ये ना मेरे सारे गिर गिर के ना खो भी जाएंगे और खराब भी हो, सॉरी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कोई फॉल्ट हो या फिर खराब हो, इसका एक भी झुमका या फिर ये सारी चीजें खो जाए, तो इसके लिए मैं जहाँ से मुझे ये ढीले ढीले लग रहे हैं ना, क्योंकि वो देखो उनका काम होता है कड़ी वगैरह को ज़्यादा दबाते नहीं है, वो बस ऐसे ही वो कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी मैंने मीशो से लिया है, और सबसे अच्छी बात है कि मुझे ये इस तरीके से बॉक्स में रिसीव हुआ था, इसको मैं इसलिए ऐसे ही सिक्योर करके रख पाती हूँ, और नेक्स्ट भी मुझे इस तरीके से ये बॉक्स में रिसीव हुआ था। ये क्या है, ब्लैक मेटल, मेरे पास बिछुए का भी ब्लैक मेटल बहुत सारे कलेक्शन है, ब्लैक मेटल पायल के भी बहुत सारे कलेक्शन है, तो आप लोग कहोगे तो मैं शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगा था गाइस, इसका आप देख सकते हो, जब आप अपने पैरों में पहनोगे तो कुछ इस टाइप का लुक आता है, लेकिन कभी कभी मैं जो है ना थोड़ी सी झल्ली टाइप की हूँ, तो
इनको क्या करती हूँ, थोड़ा उंगलियों में भी कभी कभी पहन लेती हूँ एज अ रिंग, ठीक है। और ये थोड़े से बड़े साइज में है, मैंने इसका बीच का जो स्टोन है ना वो ग्रीन कलर में लिया है, देख सकते हो ये बहुत प्रिटी वन है, तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग ले सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र खरीदे हैं, हर टाइप के ऑर्गेनाइज़र हैं मेरे पास। फिलहाल मैं आप लोगों को ये वाला ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ, और नेक्स्ट फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक मेटल ही दिखाऊँ। नेक्स्ट मेरे पास इस तरीके का इयररिंग्स है, इसे मैं ना दिखाते हुए आपको ये इयररिंग्स जो है ना ये भी देख सकते हो, ये इयररिंग्स मेरे जो है पूरा सेट का है, तो मैं जो सेट के साथ है उसको शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, ये इस तरीके से चांद बना हुआ है। इसमें बहुत सारे इयररिंग्स का पैटर्न आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप पूरा सेट नहीं लेना चाहते हो तो ये वाला जो है ना बस आपको इयररिंग्स इयररिंग्स भी आसानी से मिल जाएगा। तो कोशिश कर रही हूँ गाइस कि आप लोगों को जो है मैं कोड दे सकूँ। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं क्या है मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए फिलहाल। तो नेक्स्ट जो इयररिंग्स है ये बहुत 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 ज़्यादा लाइट वेट है, इस तरीके से इसमें पूरे जो है इयररिंग्स में इस तरीके से घुंघरू है। ये तो आपने बहुत लोगों के पास देखा होगा, ये भी अगेन गाइस गर्मियों में सूट और कुर्ती के साथ ना ये बहुत अच्छा जाता है, और सबसे अच्छी बात है ना गाइस ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, अगर आप देखो ना अगर आप इसको पहनना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये देखो। तो इस तरीके का है ये मेरा नेक्स्ट वाला इयररिंग्स। सच्ची पूछो तो आप मुझे ना आज भी हमेशा की तरह ना माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या यार क्या वीडियो बनाऊँ, मैं तो ऐसा ना बोर सा हो गई हूँ, पागल सा होने लग रही हूँ धीरे धीरे, ऐसा मेरा माइंड जो है ना बौखला सा गया है, क्या ही हो रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन आई डोंट नो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ फिलहाल, अभी आजकल फिलहाल कह लीजिए कि आजकल कह लीजिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, बात इयररिंग्स का कर रहे हैं तो इयररिंग्स तो दिखाना बनता है। ये वाला इयररिंग्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, ये बहुत सुंदर लगता है गाइस, अगर आप चाहे तो इसे साड़ी पे या फिर टीनेजर हो ना तो कुर्ती वगैरह पे भी आप इसे पहन सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिकॉज इसे किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ये जो नीचे लोरियल्स लगे हुए हैं ना ये पूरा इतना गच्छिन करके लगाया गया है कि कहीं पे भी जरा सा भी स्पेस तक आपको नज़र नहीं आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। थोड़ा सा मैं ना ब्राइटनेस कम करके दिखाती हूँ आपको। ऑलराइट, देखो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, मुझे ना सच्ची बताऊँ मेरे को इतना शौक है ना इन सब चीज़ों का, ये देखो बहुत सुंदर है। अभी मैंने कुछ ज्वेलरी बाय किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगी कि मैंने क्या बाय किया है। और अपने बेटे के बर्थडे के लिए मैंने जो है लॉकेट क्या बोलते हैं बनवाया है, वो भी मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक मेटल में, अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल वगैरह, मतलब स्कूल में तो नहीं अलाउ करेंगे लेकिन कॉलेज में तो आप जो है इयररिंग्स वगैरह तो पहन ही सकते हो, इस तरीके के भी आप इयररिंग्स ले सकते हो, बिकॉज ये मेरे ना चूड़ियों का भी काम करता है, आप यकीन नहीं मानोगे मेरा हाथ इतना पतला है, मैं इसको एज ओ कंगन भी पहनती हूँ कभी कभार, देखो यकीन नहीं आता ना, ये देखो ये इतना मतलब देखने में बड़ा नहीं है लेकिन मेरा हाथ जो है ना बिल्कुल बच्चों जैसा है, इसलिए मेरे हाथ में भी ये बहुत आसानी से आ जाता है। चलो निकाल देती हूँ, ठीक है। आप इसके ना कुछ गलती से मेरे से ना मोती कहीं खो गए चार चार, और यहाँ पे शायद एक मोती की कमी है, बाकी मेरा इयररिंग्स जो है एज इट इज़ है। उसके बाद आपको दिखाऊँ तो एक मेरे पास ना ये वाले हैं, इसका दूसरा पेयर इसी में मैंने रखा हुआ था बट मिल नहीं रहा, इसका भी नीचे का पूरा झुमकी है इस तरीके से। मेरे पास स्टड वाले भी इयररिंग्स बहुत सारे गाइस, अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगी, बहुत प्रिटी प्रिटी इयररिंग्स आप लोगों को दिखाऊंगी, मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट जो है इस तरीके से कुछ पैटर्न में है जो कि बहुत सुंदर लगता है, अब देखना आप गर्मियों में आए गर्मी आएगी ना, ये कुछ गोल्ड प्लेटेड में है, देख सकते हो नीचे मल्टी कलर के ऐसे लोरियल्स लगे हुए जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके की जो इयररिंग्स होते हैं ना, आपको अगर कुछ अच्छा लुक चाहते हो ना
तो ट्राई कर सकते हो गाइज। ये वाला भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत सुंदर लगता है गाइज ये इस तरीके की इयररिंग्स। अभी इयररिंग्स के मेरे पास ना बहुत भरमार है, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है गाइज, अभी और भी है ये देखो। ठीक है, कुछ इस तरीके से इयररिंग्स हैं। मुझे जाना पड़ेगा निकालने के लिए, वो मैंने कहीं और रखा है। तो अभी ये वाला जो है ना पूरी तरीके से, ये भी ब्लैक मेटल में ही आता है, देख सकते हो नीचे जो है कुंदन वर्क का और स्टोन का काम था इसमें। एक स्टोन कुंदन जो है यहाँ से गिर चुका है, जिसकी वजह से मैंने इसे दोबारा कभी वेयर नहीं किया। लेकिन ये इस तरीके से कुछ पिकॉक का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है। आई थिंक पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा है। और एक ब्लैक मेटल में और आपको दिखाती हूँ, ये वाला ब्लैक मेटल अगर आप देखो इस तरीके से, ये ब्लैक मेटल है। ये एक्चुअली ना मेरे यहाँ के कानों के लिए मैंने लिया था, जब मैं पूरा जो है ना लुक ट्राई करती हूँ तो इसे ज़रूर वेयर करती हूँ। यहाँ पे इसमें पीछे हुक लगा हुआ है इस तरीके से, ये फंसाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है गाइस, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरा मतलब इसमें मेरी जान बसती है। नेक्स्ट जो है दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कैसा हो रखा है। ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से है, कौड़ी सेल्फ वाले जो इयररिंग्स है ये मेरे पास, ये भी बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि इसमें से और कौड़ी गिर गए हैं क्या, शायद हाँ भी हो सकता है, नहीं लेकिन तीन ही तीन लगे हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऑलराइट गाइस, ये शायद ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये देख सकते हैं इसमें तीन तीन कौड़ी लगे हुए हैं इस तरीके की। कौड़ी वाले इयररिंग्स भी आप लोग जो है अपने कलेक्शन में क्या है ये, मेरे को तो मक्खी मच्छर भी परेशान कर रहे हैं इस टाइम। नेक्स्ट दिखाऊं तो ये गाइस मेरे मतलब कि ऐसे ऐसे ब्लैक मेटल के कलेक्शन है ना, शायद आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है गाइस इस तरीके से। अगर आप ढूंढोगे तो वो मिल जाएगा आपको, लोकल मार्केट में भी मिल सकता है या फिर ऑनलाइन आजकल आप बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए कुछ तो इसमें से मेरे ऑफलाइन ही हैं, मैं ऑनलाइन नहीं लिए। देखो यही मिल गया मेरा, दोनों स्टड मिल गए गाइस। हो जाता है मेरे साथ कभी इसमें का उसमें का। तो ये जो है ना बहुत पसंद था मुझे, मतलब मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इन कलेक्शन को पता नहीं कितने टाइम से इकट्ठे कर रही हूँ, बहुत टाइम से। ये देखिए कुछ इस तरीके के ब्लैक मेटल स्टड भी मैंने रखा है। मेरा मतलब मेरी चॉइस गाइस ऐसी ही है, कब मेरा चॉइस जो है ना बदल जाए मुझे खुद नहीं पता। एक और बहुत लाइट वेट में मैं ब्लैक मेटल इयररिंग्स आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, क्या बोलते हैं टेसल के साथ। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और प्लस बहुत सुंदर लगता है गाइस। देखो गाइस मुझे नहीं पता कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि आप लोगों को मेरे कलेक्शन ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। देखिए कितना सुंदर इयररिंग्स है गाइस, ये देखिए है ना, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है इस तरीके से। इसमें तीन लेयर के देख सकते हैं टैसल लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटी वन है गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मेरा लॉकेट है, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इसको वेयर ही कर लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके से है मैग्नेट वाला, जब इसको आप ऐसे करोगे ना, इसमें मेरे को चैन चेंज करना है, मैं इसका लॉकेट रिमूव कर लेती हूँ, चैन जो है मैं दूसरा इसमें लगा के पहन लूँगी, क्योंकि इसका चैन जो है ना बिल्कुल ख़राब हो रखा है, लेकिन इसका लॉकेट जो है एज इट इज़ है, अच्छा है। इसकी स्टोन वगैरह भी बहुत सुंदर है, देख सकते हो यहाँ पे मैं पहन सकती हूँ। चाहे अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसा दिल बन जाएगा। अगर आप इसे छोड़ोगे तो ये देखिए, अब चाहे तो इसको ऐसे ऐसा दिल भी बना सकते हो सर्कल में, ऐसे है मतलब इस टाइप का है। तो नेक्स्ट वन जो है मेरे पास, ये ईयर कप बोलते हैं इसको, ये इस तरीके का है ईयर कप मेरे पास। यहाँ पे आपको इसे पहनना है और यहाँ पे इसे आपको जो है लगा देना है। और मेरे पास और भी ईयर कप है, लेकिन ये वाला मैं सोचा कि चलो दिखा देती हूँ। पीछे इस तरीके से यहाँ पे बने होते हैं, ये ईयर कप है मेरा, पूरा स्टोन से जो है स्टोन वर्क के साथ है मेरा ये वाला ईयर कप। कुछ बचा तो नहीं है आई थिंक, हाँ अभी थोड़ा सा और बचा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो ये इसमें ब्लैक मेटल है नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इसको नेक्स्ट कलेक्शन में दिखाऊँ, बट चलो थोड़ा बहुत मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी है गाइस, मतलब ये आधा किलो
तक तो होगा ही होगा जहां तक मुझे लगता है, आधा किलो की इयररिंग्स तो ये होगी होगी। मैं देखो गाइस बहुत सारे लोग ना कमेंट करने आ जाते हैं उल्टे सीधे, हाँ आधा किलो जरूर तेरा कान वेट उठा पाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो मैं तो एक का ही बता रही हूँ कि ये आधा किलो या पाव भर से तो होगा, लेकिन दोनों का अगर आपने वेट कर लिया ना तो ये 110% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आधा किलो से आधा किलो का दोनों इयररिंग्स ये मेरे हैं। इनमें इतना ज़्यादा वेट है और ये बहुत ज़्यादा हैवी, कुंदन स्टोन के साथ ये है पूरा, देख सकते हो। और शायद ब्राइटनेस की वजह से ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट दिखाऊं आपको तो ये इस तरीके का है, फिरोजी कलर में। और भी मेरे पास बहुत सारे इयररिंग्स अंदर वाले रूम में रखे हैं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ मेरे से मिस ना हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जितना दिखा पा रही हूँ उतना ही दिखाऊंगी। अगर पसंद आएगा वीडियो तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। गाइज ये वाला देखो, ये क्या बोलते हैं खजाने का बॉक्स, जो पुराने ज़माने में इस तरीके के ना बॉक्स होते थे, खजाने इनमें छुपा छुपा के रखे होते थे, वैसे ही मेरे ये इयररिंग्स ना एक खजाना ही है। देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर है गाइज, पूरा रेड स्टोन से भरा पड़ा है, ये बहुत ही ज़्यादा वाला प्रिटी वन है, शादी फंक्शन के लिए है, वैसे यूज़ आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिखाऊं तो ये कुछ मैंने मल्टी कलर में लिया था, जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे चलाना होता है। ये भी गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मैं जब इसको देखती हूँ ना तो इसको मैं एक बार को देखती रह जाती हूँ। देखो गाइस ये कितना ज़्यादा सुंदर है, ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को अपना कलेक्शन इतना ही दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगा तो मैं इनके जो है और पार्ट बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को और भी मज़ा आ सके। ये वाले का पूरा सेट जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगी, अगर आप लोगों को पसंद आता है। एक मिनट गाइस, एक लास्ट वन मैं दिखा देती हूँ, ये तो रही गया मेरा, बहुत है, मैं मेरे को ना खुद नहीं पता चलता है गाइस कि मेरे पास कितने सारे ज्वेलरी हैं और कहाँ कहाँ फेंके पड़े हैं, मैं भूल जाती हूँ, खरीदती तो हूँ लेकिन उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। ओके, तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी वन है गाइस। ये देखो, शायद मैं थोड़ा सा ना कैमरा कम करके दिखाती हूँ आपको, तब आपको अब शायद आपको पूरा मिरर वर्क का काम है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, कुछ सिल्वर में भी। और इनके बीच में जो यहाँ पे स्टोन है ना, वो रैम्बो है, छोटे छोटे लोरियल्स लगे हुए हैं वाइट कलर के मोतियों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा गाइस सुंदर है। सो गाइस, तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी छूट गया है या फिर रह गया है, मैं पार्ट टू बना दूँगी, लेकिन उससे पहले कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा तो ही मैं पार्ट टू बनाऊँगी। चलिए अब ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, मेरी शक्ल बिल्कुल ब्लैक आ रही थी। ऑल राइट गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, आई होप बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है, मेरी जो भावना है वो आप लोगों के प्रति बहुत सच्ची है, ईमानदार है। तो प्लीज़ गाइज थोड़ा सा अपना सपोर्ट और प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।